आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम की सब्जी। मशरूम की सब्जी तो बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे अपने घर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज हम मशरूम की सब्जी एकदम ढाबे वाले स्टाइल में बनाकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम मशरूम लिया है। मशरूम को हमने अच्छे से पानी साफ करके लिया है। तो सबसे पहले हम मशरूम को काट लेते हैं। मशरूम को हम दो भागों में काटेंगे क्योंकि ये पकने के बाद छोटे हो जाते हैं और इसकी मात्रा भी कम हो जाती है, इसलिए हम मशरूम को केवल दो भाग करेंगे। सारे मशरूम को हमने दो भागों में काट लिया है। अब हम मशरूम को फ्राई करेंगे। मशरूम को फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारे गर्म हो गए हैं, हम इसमें मशरूम डालकर फ्राई कर लेते हैं। सारे मशरूम को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। गैस को हमने तेज कर दिया है। मशरूम को हम तेज आंच पर बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे। अभी मशरूम की मात्रा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इसकी मात्रा कम हो जाएगी और मशरूम फ्राई होने के बाद छोटे छोटे हो जाएंगे। ये मशरूम फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं मशरूम फ्राई होने के बाद इसकी मात्रा कम हो गई है क्योंकि ये छोटे छोटे हो गए हैं। अब उसी कढ़ाई में हम प्याज को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हम 4 कटे हुए प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम बराबर चलाते हुए सुनहरे कलर में फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल नहीं डाला है क्योंकि मशरूम तलने के बाद तेल बचे थे, तो हम उसी तेल में प्याज को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च लिया है दो भागों में काट कर, इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 से 12 दाना काजू लिया है, अब इसको भी प्याज में डाल देते हैं। प्याज को हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे प्याज हमारे जले ना और ये सुनहरे कलर में फ्राई हो जाए। ये प्याज सुनहरे कलर में फ्राई हो चुके हैं। अब प्याज को भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्याज और काजू को हमने फ्राई करके निकाल लिया है, अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ हमने एक जार लिया है, अब इसी जार में सारे प्याज को डाल देते हैं। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। प्याज का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम सब्जी को बनाएंगे। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल को गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुके हैं। यहाँ पर हमने 2 टुकड़ा दालचीनी लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता। तीनों मसालों को हम तेल में डालकर भूनेंगे। जीरा तेज पत्ता दालचीनी हमारे भून गए हैं, अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको हम तेल में मिला लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 टमाटर का पेस्ट बनाया है, पेस्ट को हम मसाले में डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब सारे मसाले को हम मिलाकर भूनेंगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले हमारे तेल न छोड़ दें। जब मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे तब इसमें हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि मशरूम की खासियत उसके मसाले से होती है। मसाले को हम जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे सब्जी हमारी उतनी अच्छी बनेगी। मसाले और टमाटर को हमने पका लिया है, मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे काजू और प्याज का पेस्ट।
अब पेस्ट को हम मसाले मिलाते हुए भुनेंगे, जिससे मसाले हमारे सूखे हो जाएं और इसका कलर भी चेंज हो जाए। हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुनेंगे क्योंकि प्याज हमारे पहले से भुने हुए हैं। ये मसाले हमारे भुनकर सूखे हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें 1 कप हरी मटर डाल देते हैं और मटर को हम मसाले मिलाते हुए 1 मिनट तक भुनेंगे। इसी में हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और नमक को मसाले मिला लेते हैं। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे मसाले कड़ाही के तली में जले ना। मसाले को हम धीमी आंच पर भून रहे हैं। ये मसाले और मटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसको हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसी में हम मशरूम को डाल देते हैं। मशरूम को मसाले मिला लेते हैं जिससे मशरूम मसाले में अच्छे से लिपट जाए। मसाले मशरूम मटर को हमने मिलाकर भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। पहले 1 कप पानी हम मसाले में डालकर मिला लेते हैं क्योंकि सब्जी ग्रेवी हमें गाढ़ा बनाना है, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। मशरूम की सब्जी में गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। अब इसी में हम 1 कप पानी और डालकर मिला लेते हैं। अब सब्जी को ढककर 10 से 12 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। लगभग 10 मिनट के बाद हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये सब्जी हमारी पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब सब्जी को प्लेट में निकालकर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हमारे मटर मशरूम की सब्जी एकदम ढाबे वाले जैसी बनकर तैयार हुई है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर एक बार मटर मशरूम की सब्जी जरूर बनाएं। यह सब्जी दोपहर और रात के खाने में बनाकर रोटी चावल के साथ खा सकते हैं और पूरी कचौड़ी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से एक बार सब्जी बनाएंगे तो आपको यह सब्जी जरूर पसंद आएगा।